बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने घोषित की टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड। इन 15 खिलाड़ियों को मिला टीम की स्क्वाड में मौका। ऋषभ पंत हुए टीम से बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया की ऐलान हो चुका है, जहां पर टीम की स्क्वाड में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी स्क्वाड के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2022 में उतरने वाली है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस इस मुकाबले में शानदार रहने वाला है और किस प्रकार से ये खिलाड़ी यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, इसके बारे में भी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2022 की विनर टीम बने तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 400 लाइक। तो उम्मीद है दोस्तों, आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है, जहां पर टीम में कई दमदार खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो वहीं पर ऋषभ पंत यहां से बाहर हो चुके हैं, तो वहीं पर इशांत मोहम्मद, शमी, जसप्रीत बुमराह जैसे दमदार खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है, जो कि यहां पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। हम बात करें टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की, तो एशिया कप 2022 में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा था। हालाँकि यहाँ पर ग्रुप के मुकाबलों में तो टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया था, लेकिन सुपर फोर के मुकाबले में टीम इंडिया 3 में से मात्र 1 ही मुकाबला जीत पाई थी, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। यहां पर टीम ने एक बेहतरीन जीत दर्ज करी थी, जिसमें टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया था, लेकिन पिछले मुकाबलों में ना तो टीम के बल्लेबाज चले और ना ही गेंदबाज, जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। और अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2022 में काफी शानदार परफॉर्मेंस करना चाहेगी, क्योंकि एशिया कप 2022 से तो टीम इंडिया पूरी तरह से बाहर हो ही चुकी है, लेकिन अब वर्ल्ड कप में टीम इंडिया काफी शानदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। हम बात करें इस मुकाबले के लिए उन खिलाड़ियों की जिनका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एशिया कप 2022 में भी ये मात्र 2 ही मुकाबलों में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, उसके बाद ना तो अपने गेंद से कमाल करने पाए और ना ही अपने बल्ले से। तो ऐसे में यहाँ पर हार्दिक पांडे के फॉर्म तो अच्छी है, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले उनको शानदार परफॉर्मेंस करना होगा। तो वहीं पर विराट कोहली जो अपनी फॉर्म को हासिल कर चुके हैं, यानी कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है, तो वहीं पर रोहित शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, तो इनको भी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करना होगा। तो वहीं पर बल्लेबाजी में हम बात करें संजू सैमसंग की भी वापसी होने जा रही, तो संजू सैमसंग तो वैसे भी काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी है और यहाँ पर भी ये कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वहीं पर मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल भी टीम में वापसी कर चुके हैं, तो ऐसे में टीम और भी मजबूत होती हुई दिख रही है। हम बात करें वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड की, तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों की हम बात करें तो बल्लेबाजी में केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसंग जैसे 5 दमदार बल्लेबाज इस टीम के पास मौजूद है, जो कि यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करने वाले। तो वहीं पर विकेट कीपर के तौर पर 2 खतरनाक खिलाड़ी दिनेश कार्तिक और संजू सैमसंग यहाँ पर शानदार पारियाँ खेलने वाले हैं। तो वहीं पर ऑलराउंडर खिलाड़ियों में रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन अपने गेंद और बल्ले से कमाल करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और साथ ही साथ युजवेंद्र चहल भी टीम का हिस्सा हैं, जो यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया की इसी स्क्वाड के साथ मैदान पर उतरना चाहिए वर्ल्ड कप 2022 में, यही स्क्वाड रहनी चाहिए या फिर कुछ बदलाव करना चाहिए? आप अपने हिसाब से अपनी स्क्वाड जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।